हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आईपीएल का सीजन है और यूट्यूब क्रिएटर परेशान है कि वो आईपीएल वीडियो से मोनेटाइजेशन कैसे करें, किस तरह से वो पैसा बनाएं जैसे कि वो पहले बना चुके हैं। और यहाँ जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और पहले मोनेटाइज कर चुके हैं अपने आईपीएल वीडियोस को, उनको ये कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। उनमें से मैं भी एक हूँ। फॉरेन मीडिया ऑन इंडिया हाइलाइट्स वीडियो बनाता रहा हूँ और यहाँ तक कि स्कोरबोर्ड्स भी मैंने चलाए हैं। और अब यूट्यूब की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, आप क्लिप तो दिखा ही नहीं सकते, हाइलाइट्स आपको बोल के बनाना पड़ेगा। हम शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको वीडियो एडिटिंग, मोबाइल टिप्स, फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप, एडोबी प्रीमियर प्रो, पावर डायरेक्टर से रिलेटेड हर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे यहीं पर। फ्रेंड्स, मैं क्रिएटर्स को यहाँ दो कैटेगरी में कैटेगराइज करूँगा, पहले वो जो नए हैं और दूसरे वो जो एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले से स्पोर्ट्स न्यूज़ बना चुके हैं, खासकर आईपीएल और इसी तरह की दूसरी सीरीज, क्रिकेट की कोई भी सीरीज पर काम कर चुके हैं। तो पहले हम बात करेंगे नए क्रिएटर्स की। फ्रेंड्स, अगर आप नए क्रिएटर्स हैं, पहली बार इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, आपका चैनल नया है, मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप सही तरीका ही फॉलो करें, क्लिप्स ना दें। फॉरेन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और इस तरह के मीडिया रिव्यूज़ डायरेक्ट जो कि किसी चैनल से बिलोंग करते हों, वो ना उठाएँ, क्योंकि इस तरह के वीडियो कंटेंट पे आपको मोनेटाइजेशन कभी नहीं मिलने वाली। और दूसरे वो वीडियो क्रिएटर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले से स्पोर्ट्स न्यूज़ बनाते रहे हैं, मसलन फॉरेन मीडिया रिव्यूज़, हाइलाइट्स, स्कोरबोर्ड और भी अलग अलग तरह के न्यूज़ जिसमें आप फोटोज़ और ऑडियो शामिल करते हैं, उनके लिए भी सही तरीके से काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि मोनेटाइजेशन कितनी हार्डली मिलती है और उसे आप एक पल में गंवा सकते हैं अगर आप सही तरीके से नहीं चलेंगे, सही तरीका फॉलो नहीं करेंगे अपने कंटेंट बनाने में और उसे प्रमोट करने में। प्रमोट की हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे कि सही तरीका क्या है। आज हम सिर्फ कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से बनाया जाए। फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं वो सारे तरीके जो कि हमें नहीं करने। पहला, स्कोरबोर्ड। हम में से बहुत से लोग स्कोरबोर्ड्स चलाते रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, फिर वो किसी पॉपुलर वेबसाइट से बिलोंग करता हो, चाहे जैसे याहू, ESPN, उस पर गूगल स्ट्राइक देने वाला है, बहुत से लोगों को दे चुका है। और ये जो प्रोसेस है, ये रोज़ रोज़ का प्रोसेस नहीं है, ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसे शेड्यूल में डाल के किया जाता है। तो हो सकता है आपके बहुत सारे वीडियो चलें लेकिन आफ्टर ऑल वो बंद हो जाएंगे। दूसरा तरीका, अगर आप किसी टीवी चैनल जैसे कि जी न्यूज़, स्पोर्ट्स तक, आज तक से वीडियो कंटेंट उठाते हैं, मैच खत्म होते ही अगर आप उसकी समरी उठाते हैं और अगले दिन अगर आप उसके हाइलाइट्स उठाते हैं, तो वो उठाना बंद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी बड़े चैनल खुद यूट्यूब पर हैं, उनके चैनल हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कंटेंट इस तरह से यूज़ हो और उनकी मोनेटाइजेशन, उनके लिए शायद मोनेटाइजेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ऑडियंस। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी ऑडियंस डाइवर्ट हो और वो आपके चैनल या किसी भी चैनल्स पे जाएं, वो यही चाहेंगे कि उनकी सारी की सारी ऑडियंस वहीं पर आए। बढ़ते हैं आगे। अगर आप मैच खत्म होते ही हाइलाइट्स बनाते हैं, एक समरी बनाते हैं, एक तो आप टाइटल मिसलीडिंग कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर समरी है तो समरी लिखें, हाइलाइट्स है तो हाइलाइट्स लिखें। मोस्टली हाइलाइट्स पड़ा होता है और समरी जो होती है एक मिनट दो मिनट की होती है, तो आप अपने ऑडियंस को बिल्कुल भरोसे पर रखें और सही टाइटल दें। अगर आप अपना हाइलाइट्स या समरी फोटोज़ विद ऑटोमेटेड वॉइस से बनाते हैं, तो ये भी अब नहीं चलने वाला, क्योंकि गूगल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट में से एक आपका होना चाहिए, या अगर आप फोटो यूज़ कर रहे हैं तो ऑडियो पार्ट आपकी आवाज़ में हो, ऑटोमेटेड ना। और अगर आप ऑटोमेटेड ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, आप अपने फेस के साथ उसे मैच नहीं कर सकते हैं। ले देखिए, सारी बात यहीं ख़त्म होती है कि आप इस तरह की वीडियोज़ जो हैं, अगर फ़ोटो से बनाते हैं तो अपनी साउंड यूज़ करें, या खुद सामने आकर अपने सब्सक्राइबर से बात करें, उन्हें ये सब समरी बताएं। इसी से रिलेटेड
एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप फोटोज यूज करते हैं तो आप रीयूज विद मॉडिफिकेशन राइट्स वाली फोटोज ही यूज करें। गूगल पर बहुत सारी स्टॉक फोटोज हैं जो अपनी फोटोज से इनकम करती हैं, तो अगर आप उनकी फोटोज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक का डर बना रहेगा। मोनेटाइजेशन बहुत हार्डली मिलती है। आप इस तरह के किसी भी रिस्क को नज़रअंदाज न करें और सही तरीके से काम करें, आपको फोटोज मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेन्नई और दिल्ली के मैच की कुछ फोटोज देखना चाहते हैं तो आप सर्च करें और यहाँ से जाकर ये ऑप्शन इनेबल कर लें। इससे जो आपको फोटोज मिलेंगी वो आप रीयूज कर सकते हैं और आप उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने थंबनेल्स के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे बेस्ट तरीके की। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप खुद कैमरा के सामने बैठकर आईपीएल से रिलेटेड फैक्ट्स, न्यूज, हाइलाइट्स, समरीज दें। इवन कि आप फॉरेन मीडिया रिव्यूज भी दे सकते हैं। उसके लिए आप फॉरेन मीडिया की क्लिप इस तरह से बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। आप रेफरेंस दे सकते हैं, यहाँ आप रेफरेंस दे सकते हैं कि ये जो न्यूज है इस फॉरेन मीडिया की है, और जो बिल्कुल उसमें बताया गया है उसे आप अपनी ही वॉइस में बोलकर लोगों को बता सकते हैं। एक बार ये अजीब सा लगता है, लेकिन जब ऑडियंस भी इस बात से अवेयर हो जाती है तो उन्हें ये अच्छा लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाना था जब हाइलाइट्स क्लिप से ही दिखाया जाता था, हर कोई क्लिप से दिखाता था। ऑडियंस को समझ आने लगा, धीरे धीरे ऑडियंस को समझ आने लगा, आज उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें बेस्ट कंटेंट विद रनिंग फोटोज, मार्क्यूज, नीचे टेक्स्ट चलता हो, किसी भी तरह से मिले, उन्हें न्यूज मिलनी चाहिए और टाइम पर मिलनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप वीडियोग्राफी करें, आप कैमरा के सामने बैठकर इस तरह से वीडियो शूट करें, न्यूज, हाइलाइट्स, व्हाटएवर यू लाइक। उसके लिए आप वीडियो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा कि किस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन मॉडिफाई करके बैकग्राउंड में स्टेडियम लगा सकते हैं और अपने इन रिपोर्टिंग वीडियोज़ को रियलिस्टिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ फोटो ही नहीं वीडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं फेयर यूज़ में। फेयर यूज क्या है, उसके लिए आप गूगल की पॉलिसीज देखें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा बताना चाहूंगा, सिर्फ वीडियो यूज करें, साउंड अपनी दें और जो वीडियो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है उससे कम रेजोल्यूशन में। मीन्स अगर वीडियो फुल स्क्रीन है तो आप जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा वीडियो देखकर इसके बारे में बताऊं तो ये सही तरीका है। आप फेयर यूज से वीडियो क्लिप्स भी यूज कर सकते हैं। इनके लिए आप बहुत सारी स्टॉक वीडियोज वेबसाइट्स हैं, उनका सहारा लें। गूगल पर लिखें स्टॉक वीडियोस, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। आप वहां से फ्री और लाइसेंस दोनों तरह के वीडियोस वहां अवेलेबल हैं। आप एक बार स्टार्ट कर सकते हैं अपने फ्री वीडियोस से, और अगर आप जब आपको इनकम अच्छी आने लगे तो आप मूव कर सकते हैं प्रीमियम प्लान्स पर। सारी बातों का एक ही मतलब है कि आपको अपने कंटेंट पर फोकस करना चाहिए। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि गलत तरीके चल सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, तो आप अभी से सही तरीके पे काम करें। अपने वीडियोस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस देख सकते हैं, किस तरह से बेसिक एडिटिंग की जाती है, एडवांस एडिटिंग, VFX, VFX, सब तरह के वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहीं मिलेंगे। और आप कॉमेंट करके किसी खास टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। आप किसी भी तरह का वीडियो बनाएं, भले ही वो न्यूज़ है, हाइलाइट्स है, कोई भी वीडियो है, उसमें आपकी ऑडियो क्वालिटी को आप अपने फ़ोन पर इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप एंड्रॉयड के एडवांस वॉइस रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट ऐप है, मैं इसे आईफोन पर यूज़ कर रहा हूँ। एडवांस में जाएंगे तो आपको ज़रूरत होगी ऑडियो और वीडियो को सिंक करने की, वो सारे वीडियोज़ आपको यहीं मिल जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। YouTube के साथ साथ आप अपने वीडियोस को Facebook पर भी शेयर करें। मैं Facebook और YouTube की मोनेटाइजेशन की तुलना पर एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म पे क्या अच्छा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर उससे कंपैरेटिवली क्या अच्छा है, तो उस पर भी आप मेरा वीडियो देखें। जल्दी ही वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छी लगे
तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से भी हमारा वीडियो प्रमोट होता है, वो दूसरे वीडियोस के सजेशन में आता है। आप अपने फ्रेंड्स और दूसरे क्रिएटर्स को बताना चाहें तो शेयर भी करें। तो आज के लिए बस यही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अगला वीडियो क्या होना चाहिए उस पर आप कमेंट करके बताएं। आईपीएल से रिलेटेड हम कोई खास वीडियो एडिटिंग जो है वो भी बनाएंगे। मेरे ख्याल से ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ऑलरेडी बहुत से वीडियो बने हुए हैं, आप वो देखिए। ना समझ आए तो मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो कल ही बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।